नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को प्ले स्कूल में जाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और उनको कैसे पहचाने कि बच्चे आपके रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। आई मीन किस एज में आप भेजोगे अपने बच्चों को स्कूल में, आप कैसे पहचानोगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को ताकि आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हैं कि प्ले स्कूल होता क्या है। सो प्ले स्कूल मेनली 2 से 4 साल के बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि उनको प्री स्कूलिंग के लिए रेडी करवाता है और यहाँ प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब बच्चों को खेल खेल में काफ़ी सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व करा के चीज़ें सिखाई जाती है। मान लीजिए म्यूजिक हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, क्राफ्टिंग हो गई, और भी कई एक्टिविटीज़ होती है जिसके थ्रू बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। सर, सबसे पहले जो फायदा होगा आपके बच्चों को है, वो है सोशल डेवलपमेंट में। बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपनी एज के कई बच्चों के साथ मिक्सअप होते हैं वहाँ पे, टेकिंग टर्न, शेयरिंग, बच्चों के साथ कैसे बात करना है, उनकी थोड़ी शाइनेस भी खत्म होती है, तो सोशल स्किल्स उनमें काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं, ताकि जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, बच्चों की लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव हो जाती है जब वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि बच्चे काफ़ी सारी वोकैबलरी कैच कर रहे हैं बाहर से भी, और बहुत जल्दी किसी भी लैंग्वेज को और जल्दी और तेज़ी से वो सीख रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो बच्चे 2 साल तक की एज तक भी काफ़ी अच्छे से बोल नहीं पा रहे होते हैं, वो जब प्ले स्कूल में उनको डाला जाता है तो काफ़ी अच्छी से बोलने लग जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। जब बच्चे स्कूल प्ले स्कूल जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब वो आपसे दूर रहते हैं और किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और सेल्फ स्टीम भी उनका बूस्ट होता है, तो उनको कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है प्ले स्कूल में जाने से। सो बच्चों की 4 नंबर जो चीज़ है, कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी मिलती है बच्चों को प्ले स्कूल में जाने से, क्योंकि बच्चों को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है जो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, थिंकिंग के लिए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। फिफ्थ नंबर जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है, बच्चे प्री स्कूलिंग के लिए बहुत जल्दी ईजिली रेडी हो जाते हैं, क्योंकि प्री स्कूल का जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी कम होता है। हो सकता है जब वो प्री स्कूलिंग में जाए ड्यूरेशन काफ़ी बड़ी हो जाए, और अचानक से बच्चा जब आपसे ज़्यादा देर के लिए दूर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं एक एनजाइटी का या एक उसके लिए टॉर्चर जैसा हो सकता है, तो वो प्री स्कूलिंग के लिए एक हैबिट बन जाती है, उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है जिसके लिए वो फॉर्मल एजुकेशनल सेटअप के लिए रेडी रहता है जब आप उसको प्री स्कूल में डालते हो प्ले स्कूल के बाद। सिर्फ जो चीज़ है, अगर आपके बच्चे में कोई भी डेवलपमेंट डिले हो रहा है तो टीचर्स जो होते हैं वहाँ प्रोफेशनल होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है उन पेरेंट्स के लिए जो कि नहीं समझ पाते या नहीं जज कर पाते उन डिलेज़ को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है पेरेंट्स के लिए। चलिए बात करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि आपका बच्चा जो है प्ले स्कूल जैसे एक्टिविटी के लिए रेडी है और आप इसको इस एज में भेज सकते हो। नंबर 1 इज़ एज, मतलब एज सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। 2 से 4 साल के बच्चों को ही आपको प्ले स्कूल जैसे एक्टिविटी में भेजना चाहिए। कई पेरेंट्स प्रिफर करते हैं या चाहते हैं कि उनका बच्चा 2 साल से पहले जाए, बट 2 साल से पहले के बच्चे इतना चीज़ों को एक्सप्रेस या अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। 2 से 4 साल के बीच में ही अपने बच्चे को प्ले स्कूल जैसे एक्टिविटी के लिए भेजिए। है नंबर 2 पॉइंट जो है वो है सोशल स्किल्स। बच्चों में थोड़ा आप देखोगे कि आपके अलावा भी बच्चे किसी और से मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। एक एज आता है जब वो चाहते हैं कि किसी और से फ्रेंडशिप करें, दूसरे बच्चों से बात करें, या आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उनसे मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ एक साइन है कि बच्चा आप सोशल स्किल्स के लिए रेडी है और आप उसको प्ले स्कूल जैसे एक्टिविटी में ईजिली डाल सकते हो। तीसरी जो चीज़ है वो कॉम स्किल्स है। कॉम स्किल्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पूरा सेंटेंस फॉर्म करने आना चाहिए। कॉम स्किल्स से मेरा मतलब ये है कि वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को टीचर्स के सामने रख सके कि कब उसे रेस्टरूम जाना है, कब उसे भूख लगी है, कब उसे नींद आ रही है, या कोई क्या चीज़ है जो उसको इरीटेट कर रही है। प्लस जब वो घर वापस आए तो आपको भी कम्युनिकेट कर पाए कि किस बात से वो हैप्पी है, किस बात से सैड है। पूरी तरह से ना भी कर पाए, थोड़ा सा भी अगर वो कम्युनिकेट कर पाता है दैट इज़ इनफ, बट कॉम स्किल्स होना काफ़ी ज़रूरी है, तब जाके आप उसे प्ले स्कूल में भेजिए। थर्ड जो चीज़ है, आपको देखना है कि बच्चा कब इंडिपेंडेंट हो रहा है, मीन्स कब आप देखोगे कि जब आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि अपने हाथ वॉश कर लो सोप लेके, तो उस चीज़ को फॉलो कर पा रहा है या नहीं, कैसे ड्रेसअप करना है उस चीज़ को फॉलो कर पा रहा है या नहीं, कैसे खाना है, ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्ट करना, मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो फॉलो कर रहा है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट बन रहा है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर ले रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उसको प्ले स्कूल में भेज सकते हो और वो रेडी है इस चीज़ के लिए।
फिफ्थ जो चीज़ है क्रियोसिटी, बच्चों की क्रियोसिटी। आप देखोगे कि 2 से 4 साल के बच्चे काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे होते हैं और उनमें काफ़ी क्रियोसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स आपसे बात बात में पूछेंगे ये क्या है, वो चीज़ क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो उनके रहते हैं वो आप ये समझ जाइए कि वो काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए और आउटसाइड यू नो लाइफ का एक्सपोजर लेने के लिए रेडी है, और दैट इज़ अ राइट टाइम जब आप उसको प्ले स्कूल में डाल दें। अल्टीमेटली मैं एक ये चीज़ बोलूँगी, सबके बच्चे अलग होते हैं। कोई किसी का बच्चा 2 साल में रेडी आप देखोगे हो जाता है, किसी के 3 साल में, किसी के 3.5 साल में। तो ये आपकी और आपके बच्चे की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। प्लस अगर आपको फिर भी अपने डाउट है, आप रेडी समझ रहे हो आपको फिर भी आपके में अंदर एक डाउट है, तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से भी इसके बारे में बात कर सकते हो। मेरे पेडियाट्रिशियन ने मेरे बेटे के लिए 2 साल के एज में उसको गो अहेड दे दिया था, बट एज अ पेरेंट मैं रेडी नहीं थी उस टाइम पे। सो मैंने उसको जब वो 2.9 ईयर्स का हो गया तब मैंने उसको प्ले स्कूल जैसे एक्टिविटी में डाला था। इसी तरह से आप भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं आप भी वही करें। एंड में मेरे कुछ टिप्स रहेंगे जिससे आपका बच्चा और कंफर्टेबल हो जाएगा प्ले स्कूल जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। सो मेक श्योर करिए जब भी आप डिसाइड करें कि बच्चे को प्ले स्कूल भेजना है, उसके 2 से 3 महीने पहले ही आप उसके साथ एक प्ले स्कूल के बारे में पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट कर दें कि प्ले स्कूल एक अच्छी जगह होती है, वहाँ जाने से वहाँ टीचर्स होते हैं खूब बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पे ऐसे गेम्स होते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें करें उनके साथ ताकि उनका माइंड प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए। प्लस आप उसके साथ जब स्कूल फिक्स करें तो आप 1 से 2 दिन उसके साथ बस स्कूल पर घूम के आइए, 10 मिनट के लिए उसके साथ जाइए ताकि उसको फील हो कि मम्मी पापा यहाँ लेके आए हैं तो ये कोई सेफ जगह है और एक फैमिलियर जगह उसके लिए हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बच्चों को अगर अपने साथ हमेशा रखते हो तो ट्राई कीजिए कि कोई और घर में है तो उनके साथ भी उन बच्चों को कुछ देर छोड़िए ताकि वो आपसे दूर रहने की आदत बनाए। प्लस उसको सेल्फ प्ले में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए, अगर घर में कोई नहीं है तो आपको चाहिए मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ देर खुद से भी खेले, मतलब हमेशा आपके साथ ना रहें उस टाइम पर एटलीस्ट। चलिए बात करते हैं स्कूल कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप। देखिए ये मत देखिए सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, देखिए पास में सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, मतलब इतना पास स्कूल हो कम से कम कि जब आपका बच्चा छोटा है अगर उसको कोई भी दिक्कत आए तो मतलब या फिर उसको हो सकता है पहले दिन या फर्स्ट वीक में वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फटाफट वहाँ पहुँच जाएँ और अपने बच्चे की हेल्प कर सके। तो मेक श्योर करिएगा कि बेस्ट जो भी स्कूल होगा आपके घर के पास में वही सिलेक्ट करें, आपके आने जाने के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं किसी और एपिसोड में पेरेंटिंग और हेल्थ से रिलेटेड कुछ और बातें लेके। थैंक यू।